सब्सक्राइब करिए हाई फाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि सर की बार क्या लगेगा फाइनल डॉक्यूमेंट में, क्या क्या लगेगा, यानी जो आप लोग एडमिशन अपना फीस वगैरह कटवा के जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा उसकी को ले जा करके आप लोग को जो कॉलेज अलाट होगा अगर उसमें आप लोगों को फ़ीस पेड कर दिया है ऑनलाइन तो उसमें ले जाके आप लोगों को दोस्तों जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, अगर नहीं बना है अभी कुछ बहुत बाकी है जो एक दो दिन में बन सकता है तो उसको जल्दी से बनवा लीजिए। आप लोग देख सकते हैं आप लोग क्या है कि ऑनलाइन रजिस्टर फॉर्म की जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी कॉपी आप लोगों ने निकलवाई होगी तो उसको भी रख लेना है। संस्था आवंटन एवं शुल्क भुगतान रसीद दोस्तों जो आपने ऑनलाइन शुल्क पेड किया है, ठीक है, तो उसकी रसीद भी आप लोगों को ले लेना है। और संस्था आवंटन जो आपकी संस्था आवंटित हुई है यानी जो आपका अलॉटमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है, लेटर उसको ले लेना है। और हाई स्कूल की मार्कशीट प्रमाण पत्र ले लेना है, इंटर की ले लेना है और स्नातक, ठीक है दोस्तों, स्नातक सभी सेमेस्टर के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी जो अपने डिग्री की है तो ग्रेजुएशन उसकी जो सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेना है, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज यानी पूरे के पूरे सब कुछ लेके जाना है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और स्नातक डिग्री भी ले जाना है इसमें, तो उसमें से आप लोग एक चीज़ ले जा सकते हैं, ठीक है, या लगा यानी कि इसमें से एक चीज़ ले जा सकते हैं। और उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, जात प्रमाण पत्र ले जाना है। जात प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज ये किया गया है कि महिलाएं जो होंगी वो अपने पति के नाम से नहीं अपने पिता के नाम से ले जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, पहचान पत्र ले जाना है आपको जो आपने लगाया है, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम लगाया था, बैंक पासबुक जैसे लगाया था तो बैंक पासबुक आपको ले जाना है। और अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लेते जाना है, और अगर आधार कार्ड तो आधार कार्ड भी लेकर जाना है, यानी जैसे आप लोगों ने पासबुक लगाया है तो उसके साथ आप लोग आधार कार्ड भी लेते जाइएगा और पैन कार्ड भी लेते जाइए, यानी दो आईडी जरूर ले जाइएगा। बैंक पासबुक अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र यानी जो विकलांग है उनका जो सर्टिफिकेट बना होगा विकलांग का वो भी लेते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद चार पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेते जाएंगे और फिटनेस सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत, ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत। और एक आपके ये जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है यहाँ से आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र एक आपका कॉलेज का लगेगा और एक राज्य पत्रित अधिकारी द्वारा, ठीक है, जो आपका तहसील में होगा राजपत्रित अधिकारी वहाँ से आप लोग बनवा लीजिएगा। शेष राशि की मांग ड्राफ्ट भी यानी जो आपको आपने जैसे 10,000 रुपये पेड किए, ठीक है, और 41,000 फीस है, ठीक है, तो उसकी जो बाकी के जो बचेंगे 31,000, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 31,000 आप लोगों का डीडी बनेगा और जो ए 10,000 है वो आप लोगों का ऑनलाइन पे हो जाएगा, ठीक है, तभी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। और बाकी जो शेष राशि बचेगी उसको आपको डीडी के माध्यम से ले जाना है। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये बैंक में जाइएगा और आप उस कॉलेज के नाम से बनवा लीजिएगा, ठीक है, पहले कॉलेज से में बात कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग उसी कॉलेज के नाम पे बनवा लीजिएगा डीडी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर शपथ पत्र भी ले जाना है 10 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, ठीक है, यहाँ पर आपको बनवा लेना है। इसमें आशय कि मेरे सारे अभिलेख आवेदन तिथि के पूर्व निर्गत समस्त अभिलेखों के द्वारा किसी प्रकार के कोई भी विसंगत अथवा कोई तथ्य गोपन नहीं किया गया है अथवा कोई अभिलेख फर्जी नहीं है, यदि भविष्य में कोई भी विसंगत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध जो भी कार्रवाई की जाएगी मुझे मंजूर होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को करवा लेना है, किसी भी वकील के पास जाके आप लोग 10 रुपये का जो स्टाम्प पेपर लगता है उसके ऊपर आप लोग लिखवा के और सिग्नेचर वगैरह करवा लीजिएगा, वो भी आप लोगों का लग जाए। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट, ठीक है, यही डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों, ठीक है। और आप लोग अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास अभी भी कम है यानी कोई भी चीज़ ऐसी है जो अभी भी आपके पास कम है, ठीक है, पूरी नहीं हुई है, जैसे कि आप लोगों का ये हो सकता है चार पासपोर्ट साइज फ़ोटो जैसे ना खिंचवाए हों तो वो जल्दी से खिंचवा लीजिए। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है तो वो भी बनवा सकते हैं, और चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना तो वो भी बनवा सकते हैं, यानी जो 2-3 दिन में बनने वाले प्रोसेस हैं, ठीक है, तो उनमें आप लोग जल्दी से अगर डीडी नहीं बनी तो डीडी भी बनवा लीजिए। और अगर शपथ पत्र नहीं है, शपथ पत्र तो शपथ पत्र मतलब जो भी काम 2-3 दिन में हो सकता है उसको आप लोग जल्दी से बनवा लीजिए, ठीक है, अगर कोई भी कमी है इसमें तो, ठीक है। अगर यहाँ पर प्राइवेट के लिए अगर एक दो चीज़ नहीं होगी तब भी काम चल जाएगा, यानी दोस्तों जो प्राइवेट आप लोगों का कॉलेज होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर
जो आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज होगा उसमें अगर इसमें से कोई चीज़ की कमी होगी तब भी आप लोगों का काम चल जाएगा। लेकिन जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट में इसमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और अलाटमेंट लेटर डाउनलोड हो गया है, उसको उनको लेके जाके जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाले होते हैं यार, बहुत सारा डाटा मांगते हैं, यानी कि एक एक पॉइंट में निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जल्दी से जो इसमें भी बाकी है उसको आप लोग बनवा लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।